खबर है जम्मू से। जिले में अनलॉक होते ही बाजारों में बड़ी भीड़ कोरोना संक्रमण को दोबारा पनपने का न्योता दे रही है। शहर के बाजारों में मंगलवार को कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, सराफा सहित अन्य प्रतिष्ठानों के खुलने से खरीदारों की भारी भीड़ जुट गई। सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। अधिकतर बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही। अभी वैकल्पिक दिवस पर बाजार खुलने पर यही हालात बन गए हैं। दोपहर को हल्के बादल छाने से बाजार में भी राहत दिखी। दिन भर लोगों की चहल पहल रही। पुराने शहर के अधिकतर बाजारों में सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े रहने से हालात ज्यादा खराब रहे। जाम से लोग परेशान हुए। पैदल आवाजाही में भी सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने भी अवैध पार्क किए वाहनों को हटाने की जहमत नहीं उठाई। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग बिना काम के बाहर घूमते नजर आए। अभी भी बाजारों में कई लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कई प्रतिष्ठानों पर दुकानदार भी मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं, जिनका कोई निरीक्षण किया नहीं जा रहा। बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन न होने से कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ने का खतरा बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार सामुदायिक स्तर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने से संक्रमण को फैलने में मदद मिलती है और इसका असर अगले 2 से 3 हफ्तों में दिखता है।